कि भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कैसे सार्वजनिक रूप से ये मांग की, ट्वीट किया और ट्वीट करके जो लिखा है अब हम आपको वो दिखा देते हैं। ट्वीट उनका ये रहा। और यह जिलाधिकारी सुनील वर्मा को आज उत्तर प्रदेश सरकार ने सस्पेंड कर दिया, ये बहुत ही सराहनीय फैसला। सुनील वर्मा महाभ्रष्ट जिलाधिकारी, और यह की तरह इटावा जिलाधिकारी की भी जांच होनी चाहिए। इटावा के जिलाधिकारी श्रुति सिंह के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं डॉक्टर रामशंकर कठेरिया। चलिए आपको सीधा लखनऊ ले चलते हैं। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनके पास साहब ये जो डिमांड है और उसके बाद जो एक्शन हो सकता है अधिकारियों पर, जो शिकायतें मुख्यमंत्री के पास पहुंची हैं उस बाबत बड़ी जानकारियां हैं, विस्तृत जानकारियां हैं। वीरेश अपनी जानकारी साझा करें। देखिए एक बात और आपको बता दूं, इसमें और जोड़ दूं, आजमगढ़ मंडल के मंडलायुक्त और प्रयागराज मंडल के मंडलायुक्त की जो रिपोर्ट है वो पहुंच चुकी है शासन में। यानी आजमगढ़ मंडल में एक विकेट गिरना है, प्रयागराज मंडल में भी एक विकेट गिरना है। और एक और जानकारी दे दूं भ्रष्ट तंत्र को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में जीरो टॉलरेंस रखे हुए हैं और शासन में उनके भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ जो अभियान है उसको लेकर फाइलें जो है खंगाली जा रही हैं। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बाहुल्य इलाके के जिलाधिकारी भी सस्पेंड होने वाले हैं, और साथ ही साथ एनसीआर के यानी राष्ट्रीय जो केंद्र है, जो नेशनल कैपिटल रीजन है, उसके एक साहब है पुलिस के, वो भी सस्पेंड होने वाले हैं। ये जानकारी एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं दे दूं कि ये जो भ्रष्ट तंत्र है जो इंजेक्शन लगाकर आम जनता से खून चूसता है उन पर बुलडोजर बाबा का चल रहा है और चलेगा। पहले कार्यकाल में 17 आईपीएस को निलंबित किया, 6 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निलंबित किया, और इस कार्यकाल में अभी दूसरा हफ्ता है 2 जिलाधिकारी का विकेट गिर गया और एक एसएसपी साहब बोल्ड हो चुके हैं। तो इंजेक्शन बाबा का चलेगा और इस बार का जो बुलडोजर है वो अधिकारियों पर ज्यादा चलने वाला है। सफेद पोश जो अपराध है, जो सफेद पोश माफिया है, जो बड़े कमरों में एसी कमरों में और आधिकारिक रूप से बैठते हैं उनके खिलाफ अभियान है। बहुत देखा अतीक को, बहुत देखा मुख्तार को, बहुत देखा दूसरे जो बाहुबली और जो माफिया हैं उनके खिलाफ बुलडोजर को। अब देखिए अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्ट तंत्र पे बुलडोजर का। और सुनिए जो औरैया के डीएम साहब हैं उनकी जो संपत्ति है, बेनामी संपत्ति, उस पर भी बुलडोजर चलने वाला है। जगत नारायण सिंह जो इंस्पेक्टर था मनीष गुप्ता वाले मामले में, उसके लखनऊ के आवास पर बुलडोजर बाबा का चल चुका है। जगत नारायण का नाम नगत नारायण के रूप में प्रसिद्ध था। तो जो एबीपी गंगा को देख रहे भ्रष्ट तंत्र के कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने हमारे और आपके टैक्स को जिस तरीके से लूटा है और इंजेक्शन लगाया है, अब बाबा का बुलडोजर उन पर रौंदने वाला है। वो संभल जाएं और एबीपी गंगा जरूर देखें, क्योंकि विकेट जब जब गिरेगा तो सबसे पहली खबर यही मिलेगी। तो भ्रष्ट तंत्र उत्तर प्रदेश के एकदम अलर्ट पर हो जाएं, हाई अलर्ट पर हो जाएं, क्योंकि शासन में फाइलें खंगाली जा रही हैं। मैंने उन इलाकों की जानकारी भी भ्रष्ट तंत्र को दे दी कि किन किन मंडल के अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है, क्योंकि अब आखिरी दौर में है। और उच्च पदस्थ सूत्रों से बताऊं कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कह दिया है कि आई एम सेफ जोन में अब नहीं रहोगे, अब जनप्रतिनिधियों की भी चलेगी, सांसद विधायकों की भी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ सरकार द्वितीय को यह निर्देशित किया है कि अपने जनप्रतिनिधियों और सांसदों विधायकों की बातों को सुना जाए। पहले कार्यकाल में अधिकारी बेलगाम थे, बहुत काम किया, बहुत सुना, जन सुनवाई से लेकर लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का काम दिया मुख्यमंत्री ने, भरोसा किया मुख्यमंत्री ने और अफसरशाही पे ज्यादा भरोसा किया। लेकिन इस बार बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री को निर्देशित किया है कि जन प्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए। 24 की लड़ाई नजदीक आ गई है और रमाशंकर कठेरिया का ये ट्वीट इसी लिहाज से देखा जाना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है और ये ट्वीट हल्के में नहीं लिया जा रहा। मैं आपको बताऊं कि ट्वीट के बाद से शासन स्तर पर पंचम तल पर हड़कंप मचा हुआ है और श्रुति सिंह जो
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं इटावा की, उनके फाइलों को भी खंगालना शुरू किया गया है। और एक और जानकारी आपको दूं कि मौसम के बदलने के साथ साथ जब चुनाव के आखिरी दौर में जो अधिकारियों ने अपना रंग बदला, रूप बदला और जन सरोकारों से दूर चले गए और बदली हुई सरकार का इंतजार कर रहे थे और परिवर्तन की बात सोच रहे थे, उनकी भी फाइलें बन गई हैं, जिन्होंने विधायकों की नहीं सुनी, जनता की नहीं सुनी और भ्रष्ट तंत्र के साथ, आचार संहिता लगने के साथ बेलगाम होकर दोनों हाथ से लूटना शुरू कर दिया, उनकी भी फाइलें पहुंच गई हैं पंचम तल में और उन पर भी बुलडोजर चलेगा। राजेंद्र जी, देखते रहिए एबीपी गंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेश आपका, आपने तमाम जरूरी अपडेट्स, महत्वपूर्ण अपडेट्स हमारे दर्शकों को दी।